हेलो यूट्यूबर्स वेलकम टू माय चैनल माय चैनल प्रोस्पेक्ट वुड बी बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस टेलीकॉम एजुकेशन डिजिटल इन डेली लाइफ ब्लॉगिंग ट्रेवल एंड पोस्ट लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस एनालिसिस सीरीज ऑफ हाई ऑन इन्वेस्टर्स जनरली बॉन्ड प्राइज और ट्वेंटी मंथ हाई जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स ओमिक्रॉन है यहाँ पे देन वी हैव हाईप्रिड क्रूड ऑयल हो चुका है सेवेंटी थ्री डॉलर पर बैरल हो चुका है डैट इज़ वन फिफ्टी नाइन लीटर्स इन वन बैरल लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल सपोज आपने टेन थाउजेंड का बॉन्ड लिया और आपको रिटर्न में बॉन्ड मिले साथ में फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट इज़ फाइव हंड्रेड रुपीज़ रुपीज़ में बात करते हैं यहाँ पे आपको ईल्ड मिला पर ईयर का बॉन्ड वैल्यू आपकी सपोज करते हैं एट थाउजेंड होगी गई टेन थाउजेंड से और आपको आप कैलकुलट तो तो गई लेकिन इन कंक्लूजन वेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बॉन्ड प्राइस डिक्रीजेज यील्ड इंक्रीजेस इन दिस नाउ वी विल डिस्कस द बंपर ईयर फॉर द ब्रोकिंग स्टॉक्स एज वी नो डाट जीरो पैसा एंड ग्रो ये कुछ ऐसी ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं जो कि फिफ्टी परसेंट जिनका एक्टिव क्लाइंट होल्ड है मार्केट के ऊपर राइडिंग द बुल कॉर्नर सेक्शन में आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं कि किसका करंट मार्केट प्राइस कितना है करंट ईयर में परसेंटेज चेंज चेंज कितना रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है सो इन दैट एनालिसिस इज दैट दीज स्टॉक्स में फेच गुड रिटर्न इन नियर फ्यूचर यू कैन इन्वेस्ट इन दीज बुल रन स्टॉक्स एज पर योर रिस्क एंड अपीटाइट राइट हैंड साइड एक सेक्शन में ई की न्यूज़ है ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड्स जो कि नाइन मंथ्स में हमने देखा वन पॉइंट वन ट्रिलियन एडिशन सिर्फ इस नाइन मंथ में एडिशन हुआ है इन इंडिया में एंड वी हैव सीन दैट नाउ द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इज अराउंड फोर पॉइंट टू ट्रिलियन एंड वन ट्रिलियन यू नो दैट वन लाख करोड़ रुपीज यू कैन सी फाइव टॉप मोस्ट फंड्स ओवर हेयर द न्यूज इज फ्रॉम द मॉगिन स्टैंडली माउन स्टैंडली का जो भी पोर्टफोलियो अभी जिस भी कंपनीज़ में उन्होंने स्टेक अपना होल्ड किया है जिन सेक्टर्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर ये न्यूज़ दी है यहाँ पे कॉलर में आप देख सकते हैं कि एक अंडर वेटेड एक ओवर वेटेड सेक्शन का उन्होंने कॉलम दे रखा है उसमें ये दिखाया है कि किस सेक्टर्स में उन्हें बुलिश लग रहे हैं चीज़ें बुलिश लग रही हैं किस सेक्टर्स में उन्हें बियरिश लग रही हैं तो वी हैव सीन दैट फाइनेंशियल सेक्टर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा बी पी एस पॉइंट दिए हैं और उस उसके अंदर भी एक्सेस आई और एसबीआई को काफ़ी प्रमोट uh, किया है उन्होंने अभी इसके साथ उन्होंने अंडरवेट जो किया है अभी अपना पोर्टफोलियो वो है एनर्जी यूटिलिटी एंड कंजपशंस जिसमें उन्होंने अंडरवेट किया है अभी अपना दीज आर द गाइडिंग वीडियोज नॉट द हार्ड कोर प्रिंसिपल फॉर योर इन्वेस्टमेंट इस एनालिसिस से आप बस ये समझ सकते हैं कि करंट इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है करंट पोजीशन क्या है फाइनेंशियल सेक्टर्स की और आगे क्या होगी सो लेट्स मूव ऑन In this, we will discuss about the conflicting trend for energy sector stocks. People are some people are saying that the energy sector stock will increase, some are saying it will decrease. Because of some there are so many factors which uh, I would like to focus here. In quarter two, we have 69.8 dollar crude oil ka price quarter three October December 80 rupees per barrel punch. Expectation it will touch around 100. डॉलर पर बैरल मानना यह है कि टेंशन जो चल रही है अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में उसकी वजह से गैस के प्राइसेस और उनकी स्टॉक्स में अभी हमें अपवर्ड मूवमेंट की तरफ देखते हुए जाने जाते हुए मिलेंगे गैल गेल की बात करें आई की बात करें इंडियन ऑयल की बात करें तो इनके प्राइसेस में भी शूटअप हमें देखने को मिल सकता है सो so, अपने कन्वीनियन के हिसाब से आप लोग इसमें इन्वेस्ट की सोच सकते हैं एज़ पर यूर कन्वीनियन नाउ मूव फॉरवर्ड और दिस न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट द फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं अपने स्टेक को कम कर रहे हैं और अंडर वेट वेट स्टेट में जा रहे हैं ओवर वेट से अंडर वेट जोन में जा रहे हैं कुछ सेक्टर्स हैं उनके लिए जो ओवर वेटेड हैं जो कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर है रियल स्टेट सेक्टर है जिसमें ये सारे ओवर वेटेड कर रहे हैं और साथ ही यूटिलिटीज़ गैस वाटर एंड अदर्स इलेक्ट्रिसिटी ये सारे यूटिलिटी सेक्टर्स जो है इनमें अपना वो अंडर वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं एक कंपैरिजन चार्ट देखेंगे यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके तो आप देखेंगे कि इपका लैब और इंडसिन बैंक में उन्होंने अपनी स्टेक काफ़ी डिक्रीज़ करी है जहाँ पे काफ़ी बेरिश रहे और बुलिश में वो आप देखेंगे लोधा और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने काफ़ी अपनी स्टेक को इंक्रीज़ किया गया है ऐसा माना जा रहा है कि इन सेक्टर्स में जो अभी अंडर है उसमें और अंडर वेट जाएंगे और जो ओवर वेटेड है उन पोर्टफोलियो में और ओवर वेट अभी जाएंगे मूव करते हैं एक अपनी न्यूज़ की तरफ जो है जो कि रियलिटी स्टॉक के बारे में है ये बता बोला जा रहा है कि रियलिटी स्टॉक में गेन ऑन स्ट्रॉग पाइपलाइन इन क्वार्टर थ्री डिस्पाइट कोरोना वायरस और ओमिक्रोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड रिटर्न रियलिटी स्टॉक से ऐसा माना जा रहा है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखा भी गया है सनटेक जैसे हुआ है रियल्टी स्टॉक है शोभा का स्टॉक हमने देखा काफ़ी कुछ अच्छा किया उन्होंने क्वार्टर थ्री में और यही क्वार्टर फोर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इज इन सब स्टॉक से एक एम के ग्लोबल की रिसर्च की रिपोर्ट है माना जा रहा है कि ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट तो कम होगी बट रेजिडेंशियल रियलिटी स्टेट विल बी राइडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन नियर फ्यूचर और टू तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस चार्ट दे रखा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चार्ट यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस दे रखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो दीज आर स्पेसिफिक फाइनेंशियल न्यूज़ कीप वॉचिंग इट सो एट लास्ट बट नॉट द लीस यहाँ पे बताया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा एक डिस्क्लेमर दिया गया है कि डोंट स्पेक्यूलेट एज पर द न्यूज़ विच इज़ सर्कुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ र्यूमर्स जो अभी चल रही हैं अनलेस बजट नहीं आ जाता अभी कुछ दिन है बजट आने में एटलीस्ट वन वीक है बजट आने में तो उससे पहले आप कुछ भी ऐसा ना करें जो कि बजट के अपोजिट हो वी एक्स वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम द बजट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है बट अभी हम उस फाइनेंशियल्स को वैसे प्लान ना करें उस स्पेक्यूलेशंस को कंसिडर uh, करके राइट हैंड साइड में एक सेक्शन है जिसमें हमने कुछ टर्मोलॉजीज देखी हैं जो बिजनेस स्टैंडर्ड हमें बता रहा है लाइक एग्जिमशंस क्या है सरचार्जेस क्या होते हैं डिडक्शन क्या होता है एग्जिमशन लिमिट क्या होती है इन कैपिटल गेंस है तो आप प्लीज़ इनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए इफ़ यू नो दिस थिंग वेल एंड गुड इफ नॉट प्लीज़ गो थ्रू इट थैंक्स अलाट फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड रेगुलर बेसिस फाइनेंशियल सीरीज़